वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया जी, बिल्कुल वैसे ही आज हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अभी मैं आपको पूरा बताता हूँ जानकारी। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास यानी कि आपके अपने PBR स्टडी में बहुत सारे ग्रुप हैं जिसमें हमने लॉक लगा रखा है कि कोई भी मैसेज ना करे। आपने पहले देखा होगा कि बहुत सारे आपको वो मिलते थे, मतलब विज्ञापन प्रचार में आते थे, रेडियो आप सुनते रहे होंगे, बहुत पहले की बात है, आज से 10 साल पहले। अब तो रेडियो का जो है प्रचलन बंद हो चुका है। उसमें एक एड आता था, ए भा जरा देख के चलो, ऊपर ही नहीं नीचे भी, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी। याद रखें, अफवाह ना फैलाएं, ना फैलने दें, अपने आसपास की वस्तुओं को जांच कर रखें, किसी भी अफवाह की सूचना तुरंत पुलिस को दें, किराएदार को जांच पर रख कर रखें। लेकिन अब लोग रेडियो सुनना बंद कर दिए हैं, तो शायद उनकी ये बुद्धि बिल्कुल हो गई है। और आपने जो थंबनेल में देखा था, मैं बिल्कुल वही दिखाने वाला हूँ। इस इमेज को मैं दिखा नहीं सकता हूँ यहाँ पर ज़्यादा देर तक, रोक करके आप देख रहे होंगे कुछ ड्रैग हो रही, मैं इसको रोक नहीं सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मतलब संवेदनशील है कि आगे मैं क्या बोलूँ। इस तरह के मैसेज भेजने वाले आखिर क्या समझते हैं, क्या उन्हें पता है कि ये मैसेज कब बना था, ये फोटो कहाँ की है। आज से 5 साल पहले इस फोटो को मैंने देखा था, और आज फिर भी ये फोटो बार बार ग्रुप में आ रही है, और उस ग्रुप में आ रही जिसमें आप देख रहे हैं केवल स्टडी के मटेरियल डाले जाते हैं। यह बेकूफी वाला मैसेज मैंने 5 साल पहले देखा था। भेजने वाले या नहीं सोचते कि फोटो कहाँ की है और कब की है। उसके नीचे आप देख रहे होंगे पैसा जीतो, क्या ऐसा कुछ होता है? अगर ऐसा कुछ होता है, बिना कुछ काम किए कुछ मिलता हो, तो आखिर कोई करे क्यों? यहाँ पर इनके मैसेज का जवाब देने के लिए एक बहुत ही सटीक उत्तर मिला हुआ है, चूतियों के लक्षण। इसे आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। देखिए, पहला, चूतिए वो होते हैं जो बैलेंस मोबाइल, पेनड्राइव, टी शर्ट, झुंझुना आदि के मैसेज भेजते हैं और कभी मिलते नहीं हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कभी नहीं मिलते हैं। दूसरा नंबर, महाचूतिए वो होते हैं जो 2-2 साल पुराने मैसेज को मार्केट में नया है कहकर भेजते हैं। ये सब तो बात छोड़िए, अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन हाँ कुछ मतलब समझ लीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है ब्रह्मांड प्रसिद्ध चूतिए, मतलब पुजारी मंदिर में पूजा कर रहा था, फिर एक सांप आया, फिर एक बंदर निकला, और फिर उसने ऐसा चमत्कार किया, आपने देखा होगा ऐसा आता है। और इतना ही नहीं, और भी बहुत से तरह के मैसेज आते हैं। ये चूतियापन का कोर्स कराने वाले क्या करते हैं, किसी आदमी के डॉक्यूमेंट डिग्री गिर गए हैं, ये उस फलाना फलाना आदमी का है। अभी मैं आपको और भी इस तरह का मैसेज दिखाता हूँ, वैसे तो उनको मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल, लेकिन बहुत से ऐसे मैसेज आते हैं, पिता का नाम मुन्नी, माता का नाम चुन्नी बता रहे हैं, और इस बच्चे को ज़रूर शेयर करें, ऐसा आपने देखा होगा। ज़रा सोचें, आप पढ़े लिखे हैं, आप बुद्धिमान हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे होता क्या है, क्या आपको कुछ मिलता है उससे? इस आप मोबाइल में देख रहे होंगे लगभग 5,000 से आसपास लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इस एक फ़ोन में, लेकिन जो भी इस तरह का कूड़ादान बनाता है उसको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है। इस वजह से ये मोबाइल चल पाती है, और इसमें आप हाँ, तो जो हम बात कर रहे थे, बीच में अनएकेडमी का कॉल आ गया, इस वजह से प्रॉब्लम हो गया, तो चलिए मैं आपको और आगे दिखाता हूँ। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि आपने कभी सोचा कि ये मैसेज बनते कहाँ से हैं, आखिर इनको भेजता कौन है? हमारे आपके जैसे पढ़े लिखे लोग ही इसको भेजते हैं, उसमें कसम दी होती है कि आपकी माँ की कसम, पापा की कसम, इसको अगर नहीं भेजा तो ऐसा हो जाएगा। क्या आप जानते हैं ऐसा होता है? बिल्कुल, इस तरह का मैसेज मैं हर दिन डिलीट करता हूँ। अगर हमारे पास फ़ोन आता है तो इन 5,000 जो लोग जुड़े हुए हैं ना, उसमें से 40-50 मैसेज ऐसे आते हैं, और उनको मैं डिलीट करके और उनको ब्लॉक भी करता हूँ। अगर मैं आपको अपनी ब्लैक लिस्ट दिखाऊं तो अभी काफ़ी नंबर हैं उसमें, लेकिन नंबर जो है शो हो जाएंगे डायरेक्ट, इसलिए मैं प्राइवेसी की दृष्टि से आपको नहीं दिखा सकता हूं, ठीक है? तो आप ज़रा सोचिए, क्या भगवान ने आपको भेजा था जब, या फिर जब आपका जन्म हुआ था तब आपके माँ बाप ने आपको कसम खिलाई थी कि आप इसको ऐसे ऐसे करिएगा, मतलब भगवान का प्रचार करिएगा, या फिर ऐसा कुछ होता है? आपने कभी आजमाया? ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे मंदबुद्धि बेवकूफ होते हैं। आप ये भी जानते होंगे, ये देश जो है 19वीं सदी के आसपास देख रहे हैं आप, क्रास हो रहा है, मतलब 21वीं सदी है ना, बिल्ली रास्ता काट दी,
आज मंगलवार है, आज बृहस्पतिवार है, आज ये काम नहीं करना चाहिए। मैं हर एक काम इसके अपोजिट करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूँ। और ऑल इंडिया में लोग जानते हैं क्या ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपने एक मुहावरा सुना होगा, लकीर का फकीर होना। जी बिल्कुल, लकीर का फकीर होना, वही हाल है। तो भाई, अगर देश की तरक्की करना है तो लकीर का फकीर होना छोड़िए और कुछ करना सीखिए, जिससे कि कुछ हो सके। जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, आप देखते होंगे, एक जो गल्फ कंट्री से आपने देखा होगा, सऊदी अरब अमीरात जिसे लोग जानते हैं, क्या आपने सुना है? सऊदी अरब अमीरात का एक देश है दुबई, और सॉरी माफ़ करिएगा, दुबई एक शहर है, देश नहीं है। लेकिन उस एक शहर को लोग ऑल वर्ल्ड में जानते हैं। देश की तो बात छोड़िए, लोग देश को नहीं जानते होंगे लेकिन दुबई को जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शायद वहाँ पर यह सब नहीं होता है। उस रेतीली ज़मीन में, उस मिट्टी की ज़मीन में जहाँ पर पानी की किल्लत होती है, वहाँ पर फूलों की हरियाली और विश्व का सबसे बड़ा इमारत, विश्व का सबसे बड़ा स्तंभ और विश्व का सबसे बड़ा टावर भी बना दिया गया। तो इन सब बातों से ऊपर उठिए और कुछ करने की कोशिश करिए। इन्हीं बातों के लिए मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया है। कुछ लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा, और आप देख रहे हैं इस मोबाइल फ़ोन में, इस ग्रुप में जो 5000 लोग जुड़े हैं, इसमें से 50 तरह के स्टूडेंट होंगे, जिसमें से 2,1500 गर्ल्स होंगी और 3,3500 बॉयज होंगे, जिसमें सीटेट से लेकर के क्लास 10th और 12th तक के भी स्टूडेंट हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को अकल कब आएगी? मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ जो लोग इसमें विश्वास करते हैं। एक मैसेज आता है यहाँ पर, हमारे पास उपलब्ध नहीं, अभी तो मैंने डिलीट कर दिया, ओम ओम लिख करके 108 बार, अगर इसको नहीं भेजा तो बहुत गड़बड़ होगा, बहुत बुरा होगा। और भी मैसेज आता है, अभी वो मैसेज जो आपने देखा उसमें लिखा हुआ था, फलाना फलाना गांव में मुस्लिम भाइयों ने, सॉरी मुस्लिमों ने हिंदू भाइयों को कुल्हाड़ी से काट डाला, क्या उन्होंने देखा था? ये सही है? ये फोटो कब की है? ये फोटो मैं आज से 5 साल पहले देख चुका हूँ, यानी कि 2014 में, तब भी इसी फोटो में इसी तरह का लिखा था, आज भी उस फोटो में वही लिखा हुआ है, क्या ये सही है? आपने कभी जानने की कोशिश किया? आपके मोबाइल पे आया, आपकी माँ की कसम इसको 10 लोगों को भेजिए, और उस वीडियो में लिखा हुआ है हिंदू मुस्लिम के प्रति हिंसा भड़काने वाली जानकारी, आपने उसे भेज दिया क्योंकि उसमें आपकी माँ की कसम दी गई है। लेकिन प्रिय मित्रों, ऐसा कुछ होता नहीं है। मुझे भी अपने माँ बाप प्यारे हैं, अपने चाहने वाले प्यारे हैं, लेकिन मैं उस तरह के मैसेज को हर दिन डिलीट करता हूँ। क्या आज तक कुछ हुआ? आप लोगों की कृपा से हमारे माँ बाप भी अभी हैं और रहेंगे, जब तक रहना होगा, कोई जानता नहीं कब तक कौन रहेगा। लेकिन फिर भी जो लोग इसको मानते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं। आपने वो सुना होगा प्यार मोहब्बत में, कि अगर कसमें सच होती तो सबसे पहले खुदा मरता। जी बिल्कुल सही बात है, अगर कसमें सच होती तो सबसे पहले खुदा मरता, क्योंकि लोग गॉड की कसम, भगवान की कसम खाते हैं और उसके अपोजिट कर जाते हैं। क्या भगवान कभी मरा? ऐसा होता नहीं है। तो आप लोग समझें और ना अफवाह फैलाएं, ना फैलने दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। मैं अभी आपको कुछ और दिखाता, एक सुप्रसिद्ध मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि मैंने गूगल से सर्च किया है। देखिए, ये मैसेज भी पहले आता था, अगर आपने इसका फ़ोन उठाया तो आपका फ़ोन ब्लास्ट हो जाएगा, फ़ोन दग जाएगा आपका। लेकिन अगर आप इस नंबर पर खुद कॉल लगा के देखिए तो इस नंबर पर ना तो कॉल लगेगी और ना जाएगी ना आएगी। ये कुछ भी नहीं है, किसी बेवकूफ़ ने इसको बना दिया। बाकी बस देखिए, 3369 अंक इसमें लिखा हुआ है ना, 3×7, 3×8, 3×9। अब इसको कुछ ऐसे बेवकूफ़ भाई हैं जो इसको बार बार भेजेंगे सबके पास, भाई बिल्कुल मत उठाना इसकी कॉल, बिल्कुल मत उठाना वरना दग जाएगा फ़ोन। जबकि ना इस नंबर से कॉल आएगी और ना जाएगी, इसका कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी लोग ऐसा करते हैं, आखिर क्यों? आपने देखा होगा बैंक का मैसेज आता है, बैंक का मैसेज आता है कि अगर आपने इस नंबर को, मतलब इस मैसेज को शेयर किया तो किसी भी बैंक का आप बैलेंस जान सकते हैं। क्या आप जानते हैं उस बैंक, उसमें जो नंबर दिए होते हैं कितने सही होते हैं? सभी गलत होते हैं अक्सर। तो भाई, कोई भी मैसेज को बिना जांच परखे कुछ भी ना करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपके पास कोई सवाल है, आप भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ काम करना चाहते हैं तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कुछ भी स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर ग्रुप में देखें या लिस्ट में देखें तो लगभग 20 से ज़्यादा लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है। एक एक लिस्ट में 256 लोग हैं, यानी कि जो 5000 कॉन्टेंट आप देख रहे हैं उधर साइड में, इसमें आप गुणा कर लीजिए 256, यानी कि लगभग 250 का 20 से, तो आप जान जाएंगे
तो लगभग काफ़ी लोगों को इसमें लिस्ट में भी ऐड किया गया है, और वो लोग निरंतर हर दिन चलने वाली लाइव क्लास का अध्ययन कर रहे हैं और शायद वो हमारी बातों और भावनाओं को समझते हैं। बहुत कम लोग ऐसा मैसेज भेजते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो नए नए जुड़ते हैं वो लोग इस तरह का मैसेज भेजते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो कहीं से भी आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे अगर मैं यूपी से या बिहार से कहीं से भी दिखाऊँ तो ऑल इंडिया से इसमें पर्सन जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत करते हैं जिनकी वजह से सबको प्रॉब्लम में होना पड़ता है। तो कृपया किसी का समय ना नष्ट करें, ना ऐसे मैसेज भेजें और ना ऐसे मैसेज को सेव करें। इन्हीं उम्मीदों के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू। शेयर अवश्य करिएगा इस वीडियो।